नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का जो यूरोप ट्रिप हुआ था, अब उसका भी सारा का सारा राज जो कि सीबीआई ने खोल दी है। आखिर यूरोप ट्रिप पर क्या सब हुआ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि सीबीआई की टीम ने जिस तरह से जांच की, ईडी की टीम ने जिस तरह से जांच की, अब सारा का सारा सबूत जो कि सामने आ चुका है। आखिर यूरोप ट्रिप में क्या सब हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल बात सब ये सामने आई जब रिया चक्रवर्ती के सीए जो है रितेश शाह, उनसे बातचीत की गई। सीबीआई की टीम ने सबसे पहले रितेश शाह से बात की, उनसे पूछा कि आखिर यूरोप ट्रिप पर वो लोग क्यों गए थे। तो रितेश शाह ने ये साफ साफ बता दिया कि रिया चक्रवर्ती घूमना चाहती थी, उसका मन था कि वो यूरोप घूमे, जिसके कारण उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मनाया। काफी मनाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने कहीं ना कहीं हां कह दी, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती जो कि यूरोप ट्रिप पर गई थी। फिर रितेश शाह से सीबीआई ने यह भी पूछा, क्या उसमें जितना भी पैसा था वो किसी कंपनी के द्वारा दिया गया था या वो पूरा का पूरा पैसा सुशांत सिंह राजपूत का था। तो रितेश क्या कहते, जरा गौर से सुनिएगा। रितेश शाह ने यह साफ साफ कह दिया कि उस ट्रिप पर जितना भी पैसा खर्च वो सुशांत सिंह राजपूत का पैसा ही था। तो जी हाँ दोस्तों, अब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पे ही जी रही थी, अब इस बात की खुलासा हो ही गया। बात यही नहीं रुकती, जब रिया चक्रवर्ती यूरोप ट्रिप पर जाने के लिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा फिल्म भी छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को एक बड़ा फिल्म मिला था जिसमें वो काम करती, लेकिन उसे तो यूरोप ट्रिप पर जाना था, वहां पे बड़ा गेम रचना था, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती ने उस फिल्म को भी छोड़ दिया। और बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जब यूरोप गए थे तब सुशांत सिंह राजपूत से बचते बचते वो एक कारोबारी से मिले हुए थे, वहां के एक कारोबारी थे, उनसे कुछ ना कुछ रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन था। आखिर किस बात को लेकर रिया चक्रवर्ती उस कारोबारी से मिलते थे, क्या सुशांत सिंह राजपूत के पीछे कोई बड़ा साजिश रचने की कोशिश कर रही थी रिया चक्रवर्ती, जिसके कारण यूरोप में भी रिया चक्रवर्ती का दोस्ती जो कि उस कारोबारी से हो गया था। बात यही नहीं दोस्तों, 5 नवंबर को जो कि यूरोप ट्रिप खत्म होने वाला था, रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि वो 5 नवंबर को वापस लौटे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का तबीयत खराब होने के कारण रिया चक्रवर्ती ने पहले ही वापस आ गए। आखिर अब कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम यह जांच कर रही है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती का बहुत ही बड़ा हाथ है, और उसके भाई जो सौभिक थे वो भी यूरोप ट्रिप पर गए थे, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पे ही गया था। अब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और सौभिक को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि रिया के जो सीए थे रितेश शाह, उन्होंने एक बड़ा खुलासा जो कि अब सीबीआई के सामने कर ही दी। बात यही नहीं रुकती दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का कनेक्शन कहीं ना कहीं मुंबई स्थित एक रिजॉर्ट से भी है। इस रिजॉर्ट में सुशांत सिंह राजपूत ने 2 महीने तक इलाज करवाया था। आखिर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक गुरु जो थे हीलर मोहन सदाशिव जोशी, अब उनसे भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। आखिर ये बात तब सामने आई जब सुशांत सिंह राजपूत के बैंक स्टेटमेंट को चेक किया गया, तब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत का कुछ पैसा जो कि मुंबई स्थित अंधेरी में जो रिजॉर्ट है उसमें भी डाला गया था। आखिर अब उस गुरु से भी पूछताछ की जाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत वाक्य में वो डिप्रेस हुए थे या उनके पीछे कोई साजिश था। तो अब कहीं ना कहीं सौभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और उनके साथ साथ ही अधमानिक गुरु जो थे हीलर मोहन सदाशिव जोशी, अब इन लोगों को भी सीबीआई अपने गिरफ्त में ले ली है। बताया जा रहा है कि जैसे इसके बारे में कोई बड़ा खुलासा सामने आएगा, वो सबसे पहले मीडिया के सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, देखने वाली बात है कि अब यूरोप ट्रिप के लिए सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती के साथ क्या करती है, क्या उन्हें अरेस्ट करती है या नहीं। जैसे इसके बारे में कुछ नया अपडेट आएगा, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर दूंगा। चलता हूं अगले वीडियो में, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।